हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आप मेरे साथ जम्मू से कठुए के सफ़र पे। जम्मू से कठुए का जो डिस्टेंस है वो गाड़ी में 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। रास्ते में ही एक प्राचीन मंदिर भी आया है जिसका नाम है चिची माता मंदिर। तो चलिए यहाँ मत्था टेकते हैं और आगे चलते हैं। तो चलो दोस्तों, आज आप मेरे साथ मेरे ननिहाल चलें। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैंने कोई 1.5 महीना पहले की शूट करके रखी हुई थी और किसी कारणवश मैं ये अपलोड नहीं कर पाई। अभी तो मौसम में काफ़ी फ़र्क आ गया है, तो आप बीच में देखेंगे कि कितनी हरियाली भी आपको दिखाई देगी। और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपना गांव दिखाऊं और साथ में यहाँ जितनी प्यारी प्यारी व्यूज़ हैं वो भी आप मेरे साथ देखें। तो ये देखिए कितना अच्छा पुल बन के तैयार हो गया है कठुआ के पास ही, और अब हम कठुआ पहुंच चुके हैं। कठुआ से नगरी का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। आराम से आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं और साथ में बसेस भी चलती रहती हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। अब तो रोड्स भी बहुत अच्छी बन चुकी हैं। और जब मैंने ये वीडियो शूट की थी तब मौसम बहुत ठंडा था, तो ये देखिए ग्रीनरी भी कितनी अच्छी थी। दोस्तों, बचपन के दिन तो आप सभी को याद होंगे, जब हम सब खुशी के मारे दौड़ते थे अपने ननिहाल। वो वक्त और वो समय निकल ही गया है। अब ना हम हमारे बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं, मगर उनकी यादें ही हमारे साथ हैं। तो चलो उनकी यादों को समेटते हैं और साथ में अब हम नगरी के ब्रिज पे पहुंच गए हैं। दोस्तों, हम यहाँ ब्रिज पे पहुंच गए हैं नगरी के। इसी ब्रिज के साथ एक बिल्कुल नया ब्रिज भी बन के तैयार हो रहा है और पानी का लेवल अभी काफ़ी कम है। बरसात में तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, लोग पानी के बीच में से क्रॉस भी कर रहे हैं। ठंड तो तेज़ है मगर लोग फिर भी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। बरसात में लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है पानी का। यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर मछली भी पाई जाती है इस पानी में, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। बचपन में जब हम ननिहाल आया करते थे तो हमारी नानी मछली के पकौड़े हमेशा बनाते थे हमारे लिए, तो हमने वो भी यहाँ मार्केट में ट्राई किए। वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। कितना प्यारा व्यू है, और ये देखिए सब जानवर आराम से पानी के किनारे बैठे हैं। और कितनी सिंपल और सोबर लाइफ है यहाँ पे। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। किसी ने उपले सुखाने के लिए रखे हैं। पानी बहुत ठंडा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो चलिए अब हम मार्केट चलते हैं थोड़ी सी। अब नानी तो नहीं है मगर फिर भी हम फिश पकौड़ा ज़रूर ट्राई करेंगे मार्केट का। ये यहाँ की लोकल मछली है और इसमें थोड़े से कांटे भी होते हैं, मगर इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है। इस लोकल शॉप पे फ्राई एग्स भी थे जो बेसन से फ्राई करके रखे हुए थे, मगर हमने फिश ट्राई की है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी ये इसको एक या दो बारी फिर अच्छी तरह से क्रिस्पी करेंगे और हमें सर्व कर देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है फिश, और साथ में जो इन्होंने इसके साथ चटनी दी थी ना, ऐसी चटनी तो हमें कहीं 5 स्टार में भी नहीं मिलेगी, इतनी टेस्टी चटनी थी। और ये जो फिश पकोड़े थे, एक तो बहुत गर्म गर्म थे, सर्दी तो तेज़ थी, तो चटनी और फिश पकोड़ा खाने में मज़ा ही आ गया। कभी भी कोई कठुआ से नगरी की तरफ जाए तो ये लोकल फिश ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी थी। चटपटी चटनी और फिश पकौड़ा खाने के बाद हमने यहाँ की जो लोकल स्वीट शॉप है वहाँ से मिल्क केक भी ट्राई किया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही देसी तरीके से बनी हुई मिठाई है। अब काफ़ी कुछ खाने के बाद हम यहाँ की लोकल जो मार्केट है वहाँ पे हम इस दुकान पे गए हैं, जहाँ पे आपको मिट्टी के बने हुए बर्तन और चीज़ें मिलेंगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी यहाँ से ये एक तंदूर लिया है, तो अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, जब मैं करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हमारी नानी और नानू का घर हुआ करता था। तो चलिए, ये हमारा गांव नगरी है और यहाँ पे हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे उनका घर हुआ करता था। तो ये देखिए कितना ऑथेंटिक घर हुआ करता था,
जब हम छोटे हुआ करते थे इस घर में एक पूरा परिवार रहा करता था। नाना जी के और फैमिली मेंबर, भाई, काफी बड़ा परिवार हुआ करता था। अभी यहाँ जाते ही मुझे अपनी पुरानी सारी यादें ताज़ी हो गई, तो सिर्फ यादें ही रह गई हैं। यहाँ से एंटर करते ही मेन एंट्रेंस हुआ करती थी, सारी फैमिली मेंबर इसी मेन दरवाजे से अंदर जाया करते थे, ये एंट्रेंस ही थी। और ये देखिए अंदर से अब घर की हालत क्या हो गई है, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है और अब तो कोई यहाँ रहता भी नहीं है, सब लोग सिटी में मूव हो गए हैं, मगर जो यादें हैं वो हमारे दिल में समाई हुई हैं। दोस्तों, आपको मेरी गांव की वीडियो ये कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।